मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल एक लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था, वो पैसे बचा कर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे उनको पेश कर दो। आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी, उससे पहले नहीं थी, अशोका की हुकूमत नहीं थी, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी, कई कई सरकारें थी, मगर बीजेपी की आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। एक आंख में मुगल, दूसरी आंख में पाकिस्तान। ना हम मुगलों के जानशीन है, ना हमको पाकिस्तान से कुछ मतलब है, मगर इनको सब चीज नजर आती, जिन्ना जिन्ना। अरे जिन्ना से हमको क्या करना है, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख नारे लगा दो छोड़ के जा छोड़ के जा, छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।